उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 20 शहरों में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। गोरखपुर में 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह 95 साल में पहली बार हुआ है। इससे पहले 1930 में गोरखपुर में 24 घंटे में इतनी बारिश हुई थी। महाराजगंज में भी तेज बारिश के कारण पुलिस चौकी डूब गई। घरों में 3 फीट तक पानी भर गया है। सैकड़ों बीघा फसलें बर्बाद हो गई हैं। सुल्तानपुर में 1000 घरों में बारिश का पानी भर गया है। वाराणसी में बिजली गिरने से एक महिला की भी मौत हुई है। उधर नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहां 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 141,000 से अधिक लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 1200 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। वे कैंप में रह रहे हैं।